तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आप लोगों का बार बार कमेंट बॉक्स में सवाल आते रहता है कि बीएमएस के बाद अगर आप एमडी कर लेते हैं और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो कितना सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों मेरा 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी किया है। तो स्टार्टिंग जो सैलरी रहता है एक बीएमएस डॉक्टर का या बीएचएमएस डॉक्टर का वो 20 से 25 हजार रुपए रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 45 हजार, 60 हजार, फिर 1 लाख तक जाता है। और कुछ डॉक्टर्स जो है हमारे फ्रेंड है वो 1,20,000 तक का भी ड्यूटी कर रहे हैं, 6 से 8 घंटे का उनका ड्यूटी है, वो आईसीयू में ड्यूटी करते हैं। बट आप लोगों का बार बार यही सवाल रहता है कि अगर बीएमएस के बाद एमडी कर लेते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, अगर दो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों सब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, 1.5 से 2 लाख रुपए भी आप कमा सकते हो। बट हमारा जो ओपिनियन है, ज्यादातर डॉक्टर्स बीएमएस ही किए हुए रहते हैं या फिर बीएचएमएस किए रहते हैं, तो वो 1 लाख या फिर 1,10,000 या 20,000 रुपए तक ही मंथली कमाते हैं जो प्लेन बीएमएस की होते हैं, क्योंकि सब चीज एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये इंडिया है, आप लोग जानते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस जिसके पास रहता है, जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज रहता है उसका ही बोलबाला रहता है। तो वही सब बात है। आप लोगों का जो बार बार सवाल है कि सैलरी कितना रहता है सर, सैलरी क्या रहेगा, प्राइवेट में कितना रहता है, गवर्नमेंट में कितना रहता है, तो सभी स्टेट का रूल्स अलग अलग है। अभी जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे जो सैलरी है बीएमएस डॉक्टर का और एमबीबीएस डॉक्टर का, वो सैलरी इक्वल नहीं है। इसलिए हम लोगों का जो सैलरी है अभी स्टार्टिंग में वही 25,000 रहता है और फिर बाद में बढ़ के 45 हो जाता है। तो ये सब जो डाउट है आपका आज इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही था कि आपके माइंड में जो डाउट है सैलरी को लेके, प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ज्वाइन करते हैं एमडी करने के बाद या फिर एमएस करने के बाद, तो वो सब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। आप किस तरीके से वहां के एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के साथ सेटलमेंट करते हो, वो सब आपके बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपके डाउट्स हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा का लिंक है, आप वहां फॉलो कीजिए और वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।